नमस्कार किसान भाइयों, मैं अंकित यादव आपके इस YouTube चैनल हिंदुस्तान डेयरी फार्म में आपका स्वागत करता हूं। किसान भाइयों, जो अपने मादा पशु होते हैं वो समय पर हीट में न आने का उनका एक बहुत बड़ा जो अपने डेयरी फार्म के अंदर नुकसान है वो किसान को उठाना पड़ सकता है। अगर आपका पशु समय में हीट में नहीं आ रहा है तो कई बार तो ऐसी जो सिचुएशन परिस्थिति आ जाती है कि उसको लाख रुपए के पशु को 25-30 हज़ार रुपए में अपने जो बुच्चड़खाने हैं उनमें कटने के लिए भेज दिया जाता है। आज मैं आपको उसी समस्या का एक जो हल है वो बताने वाला हूँ कि अपने पशु को समय पर हीट में कैसे लाएं। सबसे पहली बात तो कि आपका पशु समय पर हीट में क्यों नहीं आ रहा है, इसका आपको कारण जानना होगा। इसके कई कारण हैं, उसमें न्यूट्रिशन की कमी, उसके जो बच्चादानी होती है या जो गर्भधारण करने की क्षमता होती है वो कम हो जाना, उसके बच्चेदानी में इन्फेक्शन। अगर आपके जो पशु होते हैं उनके बच्चेदानी की इन्फेक्शन है तो आपको क्या करना है कि 100 ग्राम हल्दी और 150 ग्राम घी का हलवा बनाकर उसको ठंडा होने के बाद 4-5 दिन कंटिन्यू अपने पशु को खिला देना है। आपका जो पशु है वो गारंटेड उसकी जो इन्फेक्शन वो दूर हो जाएगा और आपका पशु हीट में भी आ जाएगा। इसके अलावा एक और फार्मूला है, आपको क्या करना है कि जो अपना बड होता है, बड के 100-150 ग्राम कोमल पत्ते, यानी कि जो नई पत्तियाँ आने वाली होती है, जो नई पत्तियाँ आती रहती है, उनको 100-150 ग्राम तोड़कर अपने पशु को 3-4 दिन आप खिला दीजिए। आपका पशु 3-7 दिन के अंदर गारंटीड हीट में आ जाएगा। इसके बाद एक और फार्मूला है कि जो अपनी सफ़ेद प्याज आती है, सफ़ेद प्याज और लाल प्याज अलग प्रकार की दोनों आती है, जो हम घर में यूज करते हैं वो होती है लाल प्याज और एक आती है सफ़ेद प्याज। सफ़ेद प्याज आधा किलो प्याज लेनी है आपको और उसको डेली 3-4 दिन शाम के समय दे दीजिए आप, यानी कि जब आपका पशु चर पी कर आराम से जब वो आपको दूसरे उसके खुट्टे पर बांधते हैं उस समय उसको आधा किलो प्याज आप दे दीजिए। आपका पशु निश्चित ही हीट में आ जाएगा, आपका पशु बहुत ही जल्दी हीट में आएगा। ये 3 फार्मूले आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से शेयर करना चाहता था। अगर कोई भी फार्मूला आपके पशु के ऊपर काम करे या आपने उसको यूज करके हुए देखा है, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में इसका जो रिव्यू है वो दे कि आपका पशु हीट में आया या नहीं आया। और इसके बाद मैं आपको एक और जो सीक्रेट फार्मूला है वो आपको जड़ी बूटी बताऊंगा कि जिसका बरमदंडी नाम होता है, आपके आसपास ग्राउंड में कहीं जगह घास फूस ऐसी मिल जाएगी जिसका नाम होता है बरमदंडी। आप उसको 100 ग्राम उखाड़ लाएगा जेगो और उस पेड़ को कूट कर 100 ग्राम गुड़ में मिलाकर अपने पशु को दे दीजिए। आपका पशु निश्चित ही गारंटेड हीट में आ जाएगा, किसी प्रकार का कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। न ही आपका पशु दूध कम करेगा, न ही आपका पशु चरने में या किसी पानी पीने जो आदि करने में कोई भी जो अन्नकान्य वो नहीं करेगा। इतना ही आपको फॉर्मूले बताना चाहता था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को हर किसान भाई के पास जरूर शेयर करें ताकि ये वीडियो उन किसानों के पास पहुंचाए जो अपने पशु को बेचने के लिए तैयार है। क्या पता उनके भी जो पशु है वो हिट में आ जा रहे, उनका जो 1-1.5 लाख रुपये का सामान है वो बच जाए। सीमा पर जवान और खेत में किसान जो भी भाई लगे उनको बार बार धन्यवाद धन्यवाद।